सत्ता बदली मगर हालत नहीं बदले। आगरा शहर में शिक्षा की हालत दिन प्रतिदिन नीचे गिरती चली जा रही है, मगर प्रदेश के मुखिया इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। आखिर कब सुधरेंगे हालात? नौ निहालों की जिंदगी खतरे में है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया के स्कूलों में दौरे चल रहे हैं, क्या यही इस सत्ता का सिस्टम है? ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आगरा BSA क्या कर रहे हैं? क्या आगरा BSA को चंद लाल नोटों के आगे कुछ नहीं दिख रहा है? आखिर कब सुधरेंगे हालात? एक मामला एक बार फिर सामने आया है। आगरा के फैसल अहमदपुर ब्लॉक खंदौली ग्राम पंचायत सेमरा के नगला नीम में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, ये देखिए क्या हालत पड़ी हुई है। अपनी जान हथेली पर रखकर मासूम प्राथमिक विद्यालय जाते हैं, उसके बावजूद भी टीचर नहीं आते हैं समय से। क्या नाम बेटा? कहाँ पर जा रही हो? स्कूल। जैसे ये स्कूल जा रहे हो, इसी तरीके से रोज निकलते हो कि आज पहली बार ही निकल रहे हो? इस तरीके से ही रास्ता नहीं है? नहीं। आपने शिकायत की टीचर जी से? क्या बोलते हैं? सही हो जाएगी। कब से कब सही हो जाएगी ये पूछी? जैसे आप निकल के जाते हो रोज, जैसे पानी में निकल के जा रहे हो, किसी दिन कीचड़ में पैर बिगड़ जाते हैं, रोज का आना जाना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती आपको? दिक्कत होती है। फिर आपसे अपने घर वालों से बोला कि वहाँ पे रास्ता नहीं है, हम पढ़ने जाएं या ना जाएं? लोग भेज देते हैं लेकिन वो शिकायत नहीं करते हैं। अब आप क्या चाहते हो? रास्ता सही हो जाए। ठीक है। संदीप कुमार, जैसे जो किस गाँव में खड़े हो आप, कौन सा गाँव है? नगला नीम। जैसे जो विद्यालय की देखी जा रही है, समय क्या बजे, जैसे कितने टाइम पे खुलता है? 9 बजे। 9 बजे समय तो 8 बजे का है विद्यालय का। ये 9 बजे खुलता है, टीचर लेट आते हैं। और क्या परेशानी है? पानी की क्या परेशानी है? रास्ता नहीं है। अच्छा रास्ता नहीं है, रास्ते कैसा है? रास्ते में पानी है ज़्यादा, पोखर है। यानी पोखर होने से बच्चे की क्या परेशानी है? बच्चे डूब जाते हैं बारिश की वजह से। आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की वीडियो रिपोर्ट।